हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम किचन। सो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सो अभी अभी हमारा डिनर हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने। तो यहाँ जो बर्तन पड़े थे, मैंने जो शाम को वॉश करके रखे थे, वो बर्तन मेरे बर्तन स्टैंड में थे, तो वही मैं अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मुझे उसमें जो बर्तन अभी खाने के निकले हैं तो वो बर्तन साफ़ करके रखने हैं, तो इसी वजह से मैं वो पहले के जो बर्तन हैं वो निकाल के वो अपनी अपनी जगह में लगा रही हूँ। और जो मुझे हाथ में दिख रहा है वो मैं अपने सिंक में डाल दे रही हूँ। तो यही मैं अभी कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सारी क्लीनिंग करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, गैस के स्लैब पे सारा मेस पड़ा है, तो वही मुझे अभी क्लीन करना है। तो यही मेरा डेली नाइट टाइम रूटीन है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी, तो इसी तरह से मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन मेरा यही है। सबसे पहले तो मैं डिनर होने के बाद जो भी डिनर में बनता है, सब्जी चावल, उसमें से कुछ भी बच जाता है तो वो डिब्बों में निकाल के फिर फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और उसके बाद मेरे जो बर्तन पड़े होते हैं वो मैं अपनी अपनी जगह लगाती हूँ, और उसके बाद क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यही मैं अभी कर रही हूँ, और बस मेरा बर्तन लगाना हो जाने के बाद मैं बाकी का स्लैब वगैरह जो है वो क्लीन करूँगी। अब मेरा बर्तन लगाना हो गया है, तो मैं आ गई हूँ इस साइड में। जो मसाले वसाले पड़े होते हैं तो वो मैं उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक हैंकी लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूरा स्लैब में जो गंदगी होती है, स्लैब पे जो आटा वाटा गिरा होता है, तो वो मैं पूरा पहले क्लीन कर लेती हूँ सादा सादे कपड़े से। और उसके बाद मैं एक गीला कपड़ा लेती हूँ, और गीले कपड़े से जो गैस स्टोव है उसे क्लीन करती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे ही जो गैस स्टोव पे आटा वाटा गिरता है वो मैं पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा धोती रहती हूँ हमेशा हमेशा। अब मैं स्क्रबर में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड लेके उसे मैं पहले अपना गैस स्टोव क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं गीले कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं सूखे कपड़े से उसे पोंछ लेती हूँ। तो सबसे पहले जो गिरा होता है तो वो मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद इस तरह से करती हूँ ताकि जो चिपचिपे दागे हैं और या ऑयल के दाग नीचे गिरे होते हैं स्टोव पे, या दूसरे कुछ दाग होते हैं जो ज़िद्दी दाग होते हैं बेसन वेसन के, तो वो चिपके ना और अच्छे से निकल जाए, इसी वजह से मैं इस तरह से ऐसे क्लीन कर लेती हूँ उसे। और पहले गीले कपड़े से करती हूँ, उसके बाद मैं सारा दो तीन बार ऐसे ही करती हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से कपड़े धो लेती हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से सूखे कपड़े से उसे क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरा गैस स्टोव अच्छे से चमके और बिल्कुल उसमें गंदगी ना रहे। अब गैस स्टोव को क्लीन करने के बाद गैस के पीछे जो आटा गिरा होता है रोटी बनाने के टाइम, या गैस के नीचे जो आटा गिरा होता है उसे मैं क्लीन करती हूँ। और उसके बाद मैं जो ऊपर टाइल्स पे छींटे उड़े होते हैं तड़के वगैरह के, तो उसके बाद मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ स्क्रबर से। अच्छी तरह से मैं उसे क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। इस तरह से जब आप डेली क्लीनिंग करते हो तो आपका किचन गंदा भी नहीं दिखता है, और आपको एक बार में ही ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी वजह से हमेशा हमेशा ऐसे ही क्लीन करते रहोगे तो आपको एक बार में ही ऐसे ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और आपका किचन हमेशा के लिए क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, और कोई आएगा आपके घर में तो उस पर इम्प्रेशन अलग ही पड़ता है। तो इसी वजह से हमेशा ऐसे ही करना चाहिए डेली, अगर आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करते हो। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है डेली क्लीनिंग करने में, अगर आप एक दिन करने लग जाते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका किचन भी गंदा दिखता है। तो इसी वजह से इस तरह से करने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और किचन हमेशा मेरा अच्छा दिखता है, और मुझे उसमें काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर आप हमेशा किचन क्लीन रखते हो तो आपको आपका हाउसवाइफ का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही जाता है, तो इसी वजह से आपको उसमें अच्छा लगेगा और आपका टाइम अच्छे से स्पेंड होगा। जब भी मुझे दूसरी चीज़ों को साफ़ करना होता है तो मैं पहले हैंकी साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें साफ़ करती हूँ। तो जैसे मेरा ये टोस्टर है तो मैं पहले उसे क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद उसके नीचे जो ब्रेड का क्रश पड़ा होता है तो उसे क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभी ब्रेड का क्रश नीचे गिर जाता है, कभी कभी क्या बहुत बार गिर जाता है, तो इसी वजह से उसे क्लीन कर लेती हूँ। उसके
बाद हम लोग मिक्सी यूज़ करते हैं तो मिक्सी में ऐसे गंदे हाथ लग जाते हैं या मिक्सी में कुछ छींटे उड़ जाते हैं, जो हम लोग मिक्सी में पीसते हैं उसके छींटे उड़ जाते हैं। तो इस तरह से मैं मिक्सी भी क्लीन कर लेती हूँ। और मिक्सी अगर हमेशा हमेशा आप क्लीन रखोगे तो मिक्सी ज़्यादा गंदा नहीं होगा और चिपचिपा नहीं होगा। और फिर उसके बाद ऊपर भी टाइल्स पे कुछ गिरा होता है, जब जब भी हम लोग कुछ पीसते हैं तो छींटे वगैरह उड़ते हैं, तो वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद बटन वगैरह पे हम लोग हाथ लगाते हैं तो बटन्स वगैरह भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले आपको बटन्स को क्लीन करने के टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बटन ऑन हो जाता है क्लीन करने के टाइम। और ये जो हैंकी है मैंने बहुत अच्छे से मतलब वो किया है, ड्राई किया है, तब जाके मैं उसको हाथ लगा रही हूँ। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बटन्स को क्लीन करने के टाइम। उसके बाद मैं आती हूँ काउंटर टॉप पे, सारी चीज़ें उठा लेती हूँ और उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़र रखे हैं तो बस उसी तरह से मैं उसे निकालती हूँ। एक दो दिन के बाद मैं उसे भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी एक दो दिन के बाद गंदा हो जाता है। उसके बाद जो ऑयल की बॉटल है मेरी, मैं उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं रोटियाँ बनाने के टाइम ऑयल यूज़ करती हूँ, मेरे हाथ लग जाते हैं ऑयल की बॉटल में आटा वगैरह के, तो इसी वजह से मैं उसे क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं जहाँ की चीज़ें वहीं पर रख देती हूँ और उसके बाद मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जो कप स्टैंड है वो मैं यहाँ पर इसमें कप धो के रखती हूँ। तो कप धो के रखने के बाद उसमें जो नीचे पानी गिरा होता है उसे भी मैं क्लीन कर, यहाँ पर ये घी एंड ऑयल के कंटेनर है छोटे छोटे स्टील के, तो उसे भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि रोटियां बनाने के टाइम उसमें भी मेरे हाथ लगे हैं, इसी वजह से मैं उसको भी क्लीन करती हूँ और उसे एक ट्रे में रख देती हूँ। उसके बाद लगे हाथ में ऊपर के टाइल्स भी क्लीन कर लेती हूँ और उसकी जगह पे अपने अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख देती हूँ। फिर मसालेदानी पे आते हैं, मसालेदानी भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उसमें भी मेरे हाथ लगते हैं गंदे हाथ, क्योंकि खाना बनाने के टाइम सभी चीज़ों में हमारे गंदे हाथ लगते हैं, तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें क्लीन करके रखती हूँ। दो हैंकी मैं साथ में ही रखती हूँ, तो दोनों हैंकी से मैं अपना एक हैंकी से अपने सारी चीज़ें पोंछती हूँ, उसके दूसरे हैंकी से मैं टाइल्स एंड काउंटर टॉप को पोंछती हूँ। और उसके बाद मैं सारी चीज़ें इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारी चीज़ें क्लीन हो जाने के बाद मैं बर्तन पे आती हूँ। लास्ट में मैं अपने जो बर्तन पड़े होते हैं वो क्लीन कर लेती हूँ, जो खाने के बर्तन निकले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ सिंक में, क्योंकि हमेशा मैं बर्तनों को क्लीन करती रहती हूँ। जैसे ही बर्तन निकलते हैं वैसे ही मैं उसे क्लीन करती रहती हूँ, इसी वजह से मेरे सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं दिखते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी मेरे जो खाना बना था, डिनर बना था, उसके ही बर्तन हैं, और जो हमने डिनर किया था उसके बर्तन हैं, बस उतने ही बर्तन निकले हैं। बस अभी इन बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँगी। और आपको कभी भी बर्तनों को क्लीन करके ही सोना चाहिए और आपको किचन क्लीन करके ही सोना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप किचन क्लीन करके सोते हो या बर्तन क्लीन करके सोते हो तो आपको दूसरे दिन का टेंशन नहीं रहता है और हाइजीन भी अच्छा रहता है आपका। और दूसरे दिन भी हमें ही क्लीन करना होता है, तो क्यों ना हम रात को ही क्लीन करके सोए। दूसरे दिन अगर आप उठते हो और किचन आपको बहुत ही अच्छा दिखता है, क्लीन दिखता है, तो आपका भी मूड बना रहता है और आपको फ्रेश लगता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और बस ऐसे ही मैं बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ सादे पानी से, उसके बाद मैं अपने बर्तनों को लिक्विड से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे जो बर्तन में सारे जो क्या बोलते हैं उसे खाना वगैरह लगा होता है, तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। उसके बाद आसानी हो जाती है बर्तनों को क्लीन करने के लिए, और मेरा सिंक भी भरा होता है पानी से, तो वो भी मेरा क्लीन हो जाता है, और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर सकती हूँ। तो इसी वजह से आप देख सकते हो अभी बर्तन का जो पानी है वो पूरा निकल चुका है, और उसके बाद अभी जल्दी जल्दी मेरे बर्तन साफ़ हो रहे हैं। अगर मैं अभी बर्तन क्लीन करके नहीं सोऊंगी तो मुझे दूसरे दिन भी वही करना पड़ेगा, सुबह उठ के बर्तन क्लीन करना पड़ेगा। और सुबह सुबह हमें बहुत जल्दबाजी होती है, बहुत भाग दौड़ रहती है हमारी, और इतनी भाग दौड़ में हमारे एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, तो इसी वजह से अच्छा है कि रात को ही बर्तन क्लीन करके सो, दूसरे दिन का टेंशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं जो काउंटर टॉप पर अभी गंदगी पड़ी है उसे क्लीन कर लूँगी। और सबसे पहले मैं जो वॉश बेसिन है अपना वो सबसे लास्ट में क्लीन करती
करती हूँ जब मेरे बर्तन क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना जो ये है सिंक है उसे भी क्लीन करती हूँ ताकि वो भी बहुत ही अच्छा सा चमकता रहे। और उसके बाद मेरे नल होते हैं उस पर भी थोड़ा सा छींटे वीटे उड़ जाते हैं, तो नलों पर भी मैं थोड़ा सा घिसनी घिस देती हूँ और नल भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। दोनों नल मैं अपने क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद बेसिन भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हमेशा बेसिन अच्छे से क्लीन करने से सुबह भी ऐसे ही करती हूँ और शाम रात को भी ऐसे ही करती हूँ, तो ऐसे करने से आपका बेसिन हमेशा क्लीन रहता है। सुबह मैं एक बार अपने बेसिन को कॉलिन से क्लीन करती हूँ, जो स्टील वाला कॉलिन आता है उससे क्लीन करती हूँ, और रात को मैं सिंपल इसी तरह से स्क्रबर से क्लीन करती हूँ। तो दोनों टाइम मैं कॉलिन से नहीं क्लीन करती हूँ। तो अभी मैं जो जाली लगाने वाली हूँ वहाँ पर छेदों पे, तो उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि वो वाइट कलर की है और प्लास्टिक की है, तो वो भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, उसमें खाना फंसा हुआ रहता है, तो इसी वजह से उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अभी मैं स्क्रबर में थोड़ा सा लिक्विड लेके जो टाइल्स है ऊपर की सिंक के ऊपर की उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन क्लीन करने के टाइम उस पर भी छींटे उड़ते हैं, तो उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का मार्बल दिख रही है आपको, ये जो क्या बोलते हैं इसे ग्रेनाइट दिख रहा है, तो उस पर भी चिकनाहट आ जाती है, तो बर्तन की वजह से मतलब उस पर जो ऑयल होता है उसकी वजह से, तो उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद स्क्रबर अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद मैं उसे पानी से टाइल्स को क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से। बस टाइल्स क्लीन हो जाने के बाद उसको मैं हैंकी से पूरा जो मेरा काउंटर टॉप है उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपना जो काउंटर टॉप है वो क्लीन करती हूँ और उसके बाद मेरे काउंटर टॉप की क्लीनिंग कम्प्लीट हो जाती है। अब मैं बर्तन के स्टैंड के नीचे जो पानी गिरा होता है या साइड में जिस जो दागे लगे होते हैं तो उसे क्लीन करती हूँ, और वो साइड में जो ग्रेनाइट लगा होता है उसे क्लीन करती हूँ। अच्छे से क्लीन सारा कुछ हो जाने के बाद मैं वहाँ पर स्टैंड रख देती हूँ और सारा कुछ और क्लीन करके रख देती हूँ और हैंकी क्लीन करके भी रख देती हूँ। बाद जो डिनर के लिए हमने बॉटल यूज़ की थी फ्रिज की, तो उसे मैं क्लीन करके उसको भर के रख देती हूँ सारा कुछ, मतलब ऊपर से और अंदर से उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ बॉटल को, और उसे रख देती हूँ फ्रिज में और भर के, क्योंकि दूसरे दिन के वही काम आ जाती है, तो इसी वजह से मैं रात को ही इसे भर के रख देती हूँ। अभी तो ठंडी का मौसम है, मतलब तो इसी वजह से ज़्यादा बॉटल नहीं लग रही है, गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा बॉटल लगती है, तो अभी दो ही बॉटल में काम चल जा रहा है, तो इसी वजह से मैं इसे क्लीन करके दोनों बॉटल को भर के रख दूंगी। उसके बाद सारा कुछ हो जाने के बाद मैं आती हूँ फ्लोर पे, तो फ्लोर पे सारी गंदगी होती है, तो इसी वजह से आटा वाटा गिरा होता है, सारा कुछ होता है रात को, तो वो मैं सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ। और उसके बाद झाड़ू मारने के बाद मैं सारा कुछ मतलब अपनी जगह पे मैट वगैरह ये वो सारी जगह पे झाड़ू मार लेती हूँ। और उसके बाद मैं जो मेरे हाथ पोछने वाले हैंकीज है उसे भी अपनी जगह पे अच्छे से रख देती हूँ, और बस झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मेरी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है और आप देख सकते हो मेरे किचन का लुक, और मेरी किचन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्लीन लग रही है। और इसी तरह से अगर आप सुबह ऐसे ही क्लीन किचन देखते हो तो आपका मन भी बना रहता है, दिन भी बना रहता है, और आपको किचन में काम करने का मन भी करता है, सुबह सुबह उठ के आपका मूड भी फ्रेश रहता है। सो गाइज सारी क्लीनिंग हो गई है, आई होप गाइज आपको ये मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहा है तो आप मेरे मराठी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा एक और चैनल है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोस, मेकअप वीडियोस, हॉल वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।